नमस्कार, मैं हूं रोशनी। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार से। एमपी में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए कल मतदान हो रहा है। दिग्गजों की प्रतिष्ठा चुनाव में दांव पर लगी है। कहा किस दिग्गज की प्रतिष्ठा दांव पर है और कौन किसे टक्कर दे रहा है, देखते हैं इन ग्राफिक्स के जरिए। अजय सिंह राहुल कांग्रेस के, सीधी टक्कर रीति पाठक से है। आपको बता दें बीजेपी की रीति पाठक से एमपी लोकसभा की सीधी सीट अजय सिंह राहुल कांग्रेस की सीधी टक्कर रीति पाठक से है जो बीजेपी की है। प्रमिला सिंह कांग्रेस से टक्कर दे रही हिमाद्री सिंह बीजेपी की प्रत्याशी को। एमपी लोकसभा की शहडोल सीट से प्रमिला सिंह कांग्रेस की है, हिमाद्री सिंह बीजेपी को टक्कर दे रही हैं। एमपी लोकसभा की जबलपुर सीट से विवेक तनखा कांग्रेस के हैं, राकेश सिंह बीजेपी प्रत्याशी को टक्कर दे रहे हैं। एमपी लोकसभा की मंडला एसटी सीट से कमल मरावी कांग्रेस के फगन सिंह को बीजेपी प्रत्याशी को टक्कर दे रहे हैं। मधु भगत कांग्रेस के हैं, ढाल सिंह बेसन बीजेपी प्रत्याशी को बालाघाट सीट से टक्कर दे रहे हैं। छिंदवाड़ा सीट से नकुल नाथ कांग्रेस के प्रत्याशी और आपको बता दें एमपी लोकसभा की सीधी सीट अजय सिंह राहुल कांग्रेस के प्रत्याशी रीति पाठक बीजेपी की प्रत्याशी से सीधी टक्कर है। बालाघाट सीट से मधु भगत कांग्रेस के ढाल सिंह बिसन बीजेपी प्रत्याशी को सीधी टक्कर दे रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के हमारे संवाददाता भूपेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एमपी लोकसभा सीट के बाला सीट और कई सीटों पर सीधी टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी पे, कितना कड़ा मुकाबला देखा जा सकता है? एमपी लोकसभा सीट की बालाघाट सीट से मधु भगत और ढाल सिंह बिसन एक दूसरे के आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी हैं, कितनी कड़ा मुकाबला देखा जा सकता है? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? एमपी लोकसभा के बालाघाट सीट से मधु भगत और ढाल सिंह बिसन कांग्रेस और बीजेपी के एक दूसरे के सामने कड़ी टक्कर है, कितना कड़ा मुकाबला देखा जा सकता है? तो आपको बता दें कि एमपी लोकसभा की बालाघाट सीट से मधु भगत
जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और बीजेपी के प्रत्याशी ढाल सिंह बिसन हैं, उनके एक दूसरे के सामने हैं, जिनमें कड़ा मुकाबला देखा जा सकता है। जी दिनेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ हेलो। हाँ जी, मेरा ये सवाल है कि एमपी लोकसभा के बालाघाट सीट से मधु भगत और ढाल सिंह बिसन एक दूसरे के आमने सामने, कितना कड़ा मुकाबला देखा जा सकता है? जी देखिए, मध्य प्रदेश में पहले चरण का मतदान कल 29 तारीख को होना है, जिसमें शहडोल, सीधी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर और छिंदवाड़ा, ये जो सीटें हैं ये आदिवासी बहुल सीटें मानी जाती हैं। आप बालाघाट की बात कर रहे हैं, बालाघाट आदिवासी क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पर कड़ा मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा। हालांकि दोनों यही पार्टियों ने मजबूत प्रत्याशियों को इस सीट से उतारा है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पिछले लोकसभा चुनाव की अपेक्षा इस बार लोकसभा चुनाव थोड़ा बदला सा नजर आ रहा है, क्योंकि इस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहीं केंद्र में बीजेपी की सरकार है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस समय कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी हैं, वो बहुत ही मजबूत प्रत्याशी खड़े किए, तो मुकाबला है जो कल जब वोट डलेंगे उसके बाद जब 23 मई को परिणाम आएंगे तब पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठा। जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर हमला बोला। सरकार पर आरोप लगाते हुए मायावती ने कहा कि चुनाव में इनके सारे हथकंडे फैल हो गए हैं। साथ ही कहा कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद आज तक किसी पार्टी ने ईडी या सीबीआई का इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने कहा कि चुनावी फायदे के लिए पीएम मोदी खुद को पिछड़ी जाति का बताया, ऐसा उन्होंने चुनावी फायदे के लिए कहा। तो वही मायावती ने चीनी मिल मामले पर बोलते हुए कहा कि केंद्र के इशारे पर सीबीआई काम कर रही है। आपको बता दें कि बसपा शासनकाल में सीबीआई ने करोड़ों के चीनी मिल घोटाले, 7 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। एमपी के डिंडोरी दौरे पर रहे सूबे के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में पूर्व सीएम ने शायराना अंदाज में कमलनाथ सरकार पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि जब जब बिजली आ जाएगी तब तक मामा याद आएगा। साथ ही शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर देशद्रोह कानून की खिलाफत करने की बात कही। खबर पश्चिम बंगाल के नदिया से है, जहां महिला का अंतिम संस्कार कर वापस आने के दौरान परिजनों से भरी गाड़ी की सड़क किनारे खड़े ट्रक से भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी भयंकर थी कि हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 4 लोगों ने अस्पताल जाते समय मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने अस्पताल और चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया। बूंदी में लोकसभा चुनाव 2019 के तहत 29 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए सुबह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर से निर्वाचन सामग्री सहित मतदान दल रवाना हुआ। इस मौके पर मतदान कर्मियों का तृतीय और अंतिम प्रशिक्षण भी हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी रुकमणी रियायर ने मतदाता कार्मिकों को संबोधित करते हुए कहा कि मतदान दलों में शामिल कार्मिक बेहतरीन तरीके से कार्य करते हुए भारत निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप पारदर्शिता और निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराएं। सेकेंडरी के मैदान से जो मतदान दलों की रवानगी हो रही है, उसमें आज सुबह की शिफ्ट में हमने हिंडोली और केपाटन विधानसभा की पोलिंग पार्टी रवाना की है। अभी आपके सामने अभी दोपहर वाली जो शिफ्ट है 12:30 बजे से, उसने बूंदी विधानसभा क्षेत्र की सभी मतदान पार्टियां रवाना की जा रही है और इनके साथ में संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, माइक्रो ऑब्जर्वर्स, एरिया मजिस्ट्रेट्स और ये सब लोग इनके साथ रवानगी हम यहाँ से कर रहे हैं। सारी व्यवस्थाएँ जो मतदान दलों के लिए
व्यवस्था वो जिला प्रशासन के माध्यम से माकूल रूप से की गई है, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, चाहे छाया की हो, चाहे वो कूलर की व्यवस्था हो, लाइटिंग की हो, और उनके अलावा उनका जो फैसिलिटेशन सेंटर है वो भी हमने इस कैंपस परिसर से बनाया हुआ। किसी प्रकार की कोई समस्या हमें नहीं आ रही है, ना इनको आ रही है। बता दें जिला निर्वाचन अधिकारी ने कार्मिकों को संबोधित किया है, निष्पक्षता से मतदान संपन्न कराने की सलाह दी है। निर्वाचन सामग्री से मतदान निष्पक्षता से मतदान संपन्न कराने की सलाह दी गई। निर्वाचन सामग्री से मतदान दल रवाना हो चुका है। भोपाल पीसीसी में एकजुट हुए पूरे सैनिकों ने प्रज्ञा के सेना वाले बयान पर रोष जताया है। इस दौरान सैनिकों ने मोदी और बीजेपी पर प्लान बनाकर राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी कई बार हुई पर चुनाव में न स्ट्राइक का न ही युद्धों का जिक्र किया गया। हमने यूनिफॉर्म जरूर उतारी है लेकिन देशभक्ति कम नहीं हुई है। इसी दौरान फौजियों ने दिग्गी को पूर्ण समर्थन दिया। खबर एमपी के भोपाल से है जहां सेना को लेकर दिए भोपाल पीसीसी में एकजुट हुए पूर्व सैनिक सेना को लेकर दिए सादगी के बयान पर रोष जताया है सैनिकों ने। भोपाल पीसीसी में एकजुट होकर सेना को लेकर दिए सादगी के बयान पर रोष जताते दिखे पूर्व सैनिक। भरतपुर में गर्मी अब अपने पूरे चरम पर है, पारा 42 डिग्री पर पहुंच चुका है। ऐसे में मौसमी बीमारियां उल्टी, हेजा, पेट दर्द, बेचैनी सहित कई रोगों के मरीजों की जिला आरबीएम अस्पताल में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसके चलते अस्पताल के मेडिकल वार्ड के साथ साथ अन्य वार्ड भी फुल हो चुके हैं। आपको बता दें कि मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने हड्डी वार्ड के सामने वाले वार्ड को खुलवाया है जहाँ मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। चिकित्सकों का कहना है कि तेज धूप में नंगे सिर न निकले, साथ ही कहा कि घर से निकलने से पहले खूब सारा पानी भी पिए। चूमू में हीरा डायमंड कंपनी 300 करोड़ रुपए के गबन के मामले में फरार चल रहे बंटी बबली के नाम से मशहूर बीजेपी पार्षद पूनम सैनी और पति ब्रजमोहन के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज था। इसको लेकर पुलिस काफी समय से इनके तलाश में थी। आरोपी ब्रजमोहन की मां का सर्वास होने के चलते आरोपी अपनी माँ के अंतिम संस्कार में पहुंचा। इस दौरान परिवादी पुलिस को लेकर मोरिजा रोड स्थित शमशान घाट पहुंचा। वहां शमशान घाट में मौजूद लोगों ने पहले परिवादी की जमकर धुलाई कर दी। वहीं पुलिस ने अपनी जान बचाकर वहां भागने को ही मुनासिब समझा। इसी के बाद दोनों पक्षों ने चोमू थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं शमशान घाट के बाद लोग चोमू थाने पहुंचे और थाने का घेराव किया। कोई चोमू में ब्रजमोहन, राजमोहन, दिनेश, कृष्ण वगैरह इनके खिलाफ कोई ठगी के मुकदमे दर्ज हैं तो इस संबंध में कोई पीड़ित आया था कि भाई मेरे जो पैसे वाला है उस संबंध में इनके खिलाफ हमारे थाने में मुकदमे दर्ज हैं। कोई पीड़ित आया था कि साहब ये जो मुलजिम है वो उनके घर पर है। इस सूचना के ऊपर पुलिस उनके साथ चली गई, उनके घर कोई मिला नहीं, औरतें वगैरह मिली। किसी ने पूछा भाई शमशान गए, वो घर उनका पूछा नहीं शमशान क्यों गए हैं, वो शमशान की तरफ चल दिए। शमशान में वहाँ गए तो जो गया था मुश्तगी से उसके साथ मारपीट कर दी उन्होंने, पुलिस ने उनको छुड़ाया। वहाँ पता लगा कि वो मुलजिमान है, उनकी मार खत्म हो गई थी।
कोई चौमू में ब्रजमोहन, राजमोहन, दिनेश, कृष्ण वगैरह इनके खिलाफ़ कोई ठगी के मुकदमे दर्ज हैं तो इस संबंध में कोई पीड़ित आया था कि भाई मेरे जो पैसे वाला है इस संबंध में इनके खिलाफ हमारे थाने में मुकदमे दर्ज हैं। कोई पीड़ित आया था कि साहब ये जो मुलजिम है वो उनके घर पर है। इस सूचना के ऊपर पुलिस उनके साथ चलेगी, उनके घर कोई मिला नहीं, औरतें वगैरह मिली। किसी ने पूछा भाई शमशान गए, वो घर उनका पूछा नहीं शमशान क्यों गए हैं, वो शमशान की तरफ चल दिए। शमशान में वहाँ गए तो जो गया था मुश्तगी से उसके साथ मारपीट कर दी उन्होंने, पुलिस ने उनको छुड़ाया, वहाँ पता लगा। पाली में लोकसभा चुनाव के मतदान को लेकर जिला निर्वाचन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों में सोमवार की सुबह एक साथ 2200 मतदान केंद्रों पर मतदान शुरू होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश चंद्र जैन ने जानकारी देते हुए कहा कि जिले के 21 लाख से अधिक मतदाता 2200 मतदान केंद्रों पर मतदान करेंगे। मतदान को लेकर जहां सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसको लेकर जिले के सभी विधानसभा केंद्रों पर मतदान दल रवाना हो चुके हैं, वहीं सुरक्षा को लेकर भी व्यापक बंदोबस्त करने के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल, RASC और केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर लगभग सभी तैयारियां हो चुकी हैं। लगातार एक महीने तक जिस तरह से निर्वाचन विभाग ने दिन रात मेहनत करके पाली जिले में लगभग 2200 बूथों पर 21 लाख मतदाता ज्यादा से ज्यादा कैसे मतदान कर सके उसको लेकर पूरी तैयारियां की हैं। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। कल सुबह 7 बजे से कल शाम को 7 बजे तक मतदान होना है, उसको लेकर निर्वाचन विभाग ने जो तैयारियां की हैं, आज मतदान दल भी यहां से रवाना हो चुके हैं। यहां निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर दिनेश चंद जैन हमारे साथ हैं, इनसे पूछेंगे किस तरह की तैयारियां हैं और कल मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए उसको लेकर निर्वाचन विभाग ने क्या क्या तैयारियां कर ली हैं। पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी पाली जो है दो जिलों में विस्तृत है, पाली और जोधपुर। जोधपुर जिले की 3 विधानसभा क्षेत्र जो है वो पाली संसदीय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आता है। यहाँ के सभी मतदान दल जो हैं वो रवाना हो गए हैं। सभी को सभी प्रकार की सामग्री और VVPAT EVM इत्यादि जो है हमने दे दी है और सभी लोगों ने अपना सामान चेक कर लिया है और सभी तरह से संतुष्ट होने के बाद वो रवाना हुए हैं। सभी पार्टियां लगभग 5 बजे तक अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगी और एक बार पुनः वो अपनी सामग्री की जाँच करेंगी। यदि किसी तरह की उनको कोई कमी लगती है तो उसकी पूर्ति रात में ही की जाएगी। कल प्रातः 6 बजे से मॉक पोल जो है वो प्रारंभ होगा, क्योंकि मतदान का समय प्रातः 7 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक का रहेगा और मैं सोचता हूँ कि अभी तक जो हमारी व्यवस्था है उसमें किसी भी तरह की कोई कोताही या कोई समस्या आने की संभावना नहीं है। पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स इत्यादि हमारे यहाँ लगाई गई है। इसके अलावा सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, पुलिस मोबाइल गश्ती दल रहेंगे, सभी प्रकार के फ्लाइंग स्क्वाड हमारे रहेंगे, इसलिए सभी तरह की हमारी व्यवस्थाएँ पूरी हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराएंगे। शांतिपूर्वक मतदान कल संपन्न होगा उसको लेकर सारे दावे किए जा रहे हैं, तैयारी भी पूरी है। कुछ जिले में संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र है उसको लेकर निर्वाचन विभाग किस तरह से तैयारी कर रहा है और कैसे उन जो संवेदनशील या अति संवेदनशील मतदान केंद्र है उसको किस तरह से निगरानी रखी जाएगी। संवेदनशील जो हमारे मतदान केंद्र हैं जो हमारे इसमें रहे हैं S4 कैटेगरी के जो हमारे संवेदनशील मतदान केंद्र हैं उन सभी पर हमारे यहाँ से CPMF जो है वो लगाया गया है। ऐसे मतलब जो हमारे संसदीय क्षेत्र की यदि हम बात करें तो लगभग 70 करीब हमारे ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिन पे कि CPMF का जाप्ता लगाया जाएगा। बाकी इसके अलावा हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर लगे हैं, वीडियोग्राफर लगे हैं और सीधा डायरेक्ट टेलीकास्ट के लिए वेबकास्टिंग की सुविधा भी हमारे यहाँ से दी गई है और ऐसे सभी संवेदनशील मतदान केंद्रों को किसी न किसी तरह से हमने कवर किया है, इसलिए इस तरह की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती कि कहीं पर किसी तरह की कोई असुविधा होगी। और उसके लिए हमारे यहाँ से ये भी निर्देश दिए गए हैं कि यदि कहीं पर ऐसी कोई बात हो तो तुरंत हमें सूचित करें तो हम लोग जो भी हमारे वहाँ के ARO हैं, तहसीलदार हैं, एरिया मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं वो तत्काल वहाँ पहुँचकर उस व्यवस्था को कायम करेंगे। किसी भी प्रशासन या निर्वाचन विभाग के लिए मतदान करवाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हालांकि चुनाव प्रक्रिया तो 23 मई को मतगणना के साथ संपन्न होगी लेकिन मतदान कल संपन्न हो जाएगा, उसके बाद प्रशासन भी चैन के सांस लेगा। लगभग 80% काम पूरा हो चुका होता है मतदान के बाद, लेकिन मत पेटियों या EVM मशीनों की सुरक्षा भी एक प्रशासन के लिए, निर्वाचन विभाग के लिए चुनौती रहेगी।
न्यूज इंडिया के लिए पाली से सुभाष त्रिवेदी के साथ दिनेश। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।